हम इन्हें पकड़ पाए और ये हमारे शो पर हमारे साथ आज हैं। बड़ी मुश्किल होती हम सब लोगों को। दुर्गा जी का नाम जब हमने सोचा था इस शो के लिए, उसके बाद हमने बहुत कोशिश की और नाम ढूंढने की, लेकिन फिर हम उसके आगे नहीं सोच पाए। दुर्गा जी इतना परफेक्टली कैरेक्टर को सूट करती थी और फिट होती थी। तो मुझे याद है वो काली शाम मैं इतना टेंशन में था, एक तरफ मेरी बीवी रूट के मायके गई थी और एक तरफ लुम्ना जी को मनाने जाना था। मैंने सोचा बीवी तो खैर मान के आ ही जाएगी, लुम्ना जी मानी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने लुम्ना जी को चुना और थैंक यू गॉड कि आज बहुत अच्छा। जब कोई अच्छी चीज बन रही होती है तो ये यूनिवर्स का नियम है कि अच्छे अच्छे लोग आकर के अपने आप जुड़ ही जाते हैं। वी हैव हर ऑन अवर शो एंड वी आर रॉकिंग। और सुनील जी प्लीज आइए। सुनील इनके बारे में डेफिनेटली आप, हाँ इनके बारे में एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को नहीं पता है। सुनील जी का इस शो पे होने का फायदा हमारा ये है कि ये जो शो है 2015 में शुरू हुआ है, लेकिन ये शो जब 2025 तक भी चलता रहेगा तब भी सुनील जी ऐसे ही दिखाई दे। सुनील जी पिछले न जाने कितने सालों से बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी बदले नहीं। हम सब शायद बड़े हो जाएंगे सुनील जी वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। इसका राज एक्चुअली ये है कि इन्होंने जब प्यार किया था, शादी करने जा रहे थे, तो इनकी वाइफ ने पूछा था सुनील तुम कभी बदलोगे तो नहीं, और सुनील ने उसको इतना लिटरली ले लिया कि वो कभी बदलने वाले कि घर जाकर के रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में सोते हैं, ये आधा ही दिन बड़े होते हैं, हम लोग का पूरा दिन बड़े। सुनील जी बहुत खुशी की बात है, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ में करते हुए। और मैं आप लोगों को बोलने का मौका मेरे खत्म हो जाने के बाद हो जाएगा। मैं प्लीज बैठ। इकराम खान प्लीज आइए। इकराम खान के मम्मी पापा बहुत बड़े प्रकांड ज्योतिष हैं। ज्योतिष के घर में उन्होंने, ज्योतिषियों के घर में उन्होंने जन्म लिया। उनको बहुत सालों पहले पता था कि ये हमारा जो बच्चा आज पैदा हुआ है ये बड़ा होकर लाखों में एक होगा, इसलिए उसका नाम इकराम कभी रख दिया। हम लोगों ने खुद ही इन्हें बहुत कम कम बता के रखा हुआ है, और उसमें से भी अगर मैं थोड़ा बता दूंगा तो इनको बताने के लिए बहुत ज्यादा रहेगा। तो आप जब पंडुवन होंगे इनसे तो ये इनके कैरेक्टर के बारे में प्लीज जानिए। बताना जी प्लीज आइए। केनी देसाई जी को हमेशा से आप लोग देखते ही रहे हैं, एड में, फिल्मों में, टेलीविजन सीरियल्स में, और स्टेज पर भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं। केनी जी दादाजी का रोल कर रहे हैं केनी जी हमारे साथ, एंड केनी जी ये बहुत मजा आता है। आई एम श्योर आपको भी ये शो बहुत मजा आता है। प्लीज बैठिए। उर्मिला तिवारी, उर्मिला तिवारी बहन जी नहीं है, हमने वहाँ मीट बहन जी हिंदी का जो लिखा है वो गलत है। उर्मिला तिवारी, उर्मिला जी से हम जब पहले, इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनकी रेंज बहुत बड़ी है, इनके परफॉर्मेंस की रेंज बहुत बड़ी है। जब ये चुप होती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, तो ये इतनी सख्त और खड़ूस टाइप की दिखाई देती हैं, तो हम डर जाते हैं। हमें ऐसे लगता है इनके पास से भी अगर होकर के गुजरेंगे ना तो पुलिस कंप्लेंट करके अंदर करवा दे। लेकिन एक बात है, जैसे ही ये मुस्कुरा देती है ना, देखिए इनकी मुस्कुराहट, जैसे ये मुस्कुरा देती है ना, ये इतनी प्यारी लगती है, ऐसे लगता है अगर होटल में हम वॉलेट भूल करके आएंगे ना तो ये हमारा बिल चुका के गाड़ी में घर पे छोड़ देंगे। उर्मिला वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो, प्लीज बैठिए। गीतांजलि प्लीज आइए। गरिमा जैन बहुत करोल कर रही है इस घर में। गरिमा जितनी अपनी सूरत से खूबसूरत है वो उतनी ही अपनी सीरत से भी खूबसूरत है। गरिमा को सबसे ज्यादा मुश्किल होती है एक्टिंग करने में, क्योंकि वो खुद पर्सनली इतनी इंटेलिजेंट है कि कम इंटेलिजेंट बहू का रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बट बहुत जल्दी वो ग्रिप ले चुकी है कैरेक्टर पे और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। प्लीज
मोनिका मोनिका के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। मोनिका शो की शान है और अट्रैक्शन है। मोनिका को देख करके मोनिका इस घर में काम किसी काम से आती है वो आपको बताएंगे किस काम से आती है। बट मोनिका के पीछे पीछे मोहल्ले के दूसरे लोग पता नहीं अलग अलग काम से मोनिका को मिलने घर में आते रहते। तो मोनिका बहुत खुशी है एंड ये शो ऐसे और बहुत सारे दूसरे को हम साथ में डेफिनेटली करते हैं रोल कर रही हैं। एक बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा, संयुक्ता का ये पहला वेंचर है, पहला टेलीविजन शो है। शुरुआत के दिन उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। मुझे भी बताया गया था कि उनका शुरुआत का दिन है, पहला दिन है, प्लीज आ जाइएगा, कुछ बताना होगा एक्टर को। मैं एक दिन नहीं आ सका, दूसरे दिन मैं दोपहर के बाद आया। जब मैं पहुंचा उस डेढ़ दिन में ये इतना अच्छा पिकअप कर चुकी थी कि मैं यहाँ पे आने के बाद जब मैंने उनको काम करते हुए देखा तो मैंने कहा इस दुनिया में अपने कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो ये शो डेफिनेटली बेहतरीन ही बनेगा। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये मेहनत यकीन रंग है। प्लीज वेट निक हमारा ये अपना नाम खुद बताएंगे आपको। मितांश प्लीज बैठो। मितांश एक क्लास के बेटे का रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इनका नाम भूल गया था, आप लोगों को लगा होगा कि मैं मितांश का नाम भूल गया हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे उसका नाम पता ही नहीं था। एक्चुअली मैंने दो दिन मितांश से पूछा था कि बेटा आपका नाम क्या है, तो उसने नाम ही नहीं बताया। उसने कहा अंकल जी शो में आ गया हूँ, एक बार शो शुरू हो जाने दो, ऐसा नाम बनाऊंगा मार्केट से अपने आप आपको पता चल जाएगा नाम क्या है। ये कॉन्फिडेंस है। मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर बच्चा बच्चा जानता है कि कितना बेहतरीन शो बन रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग वो जौड़ी हैं जो जब तक हीरे को भी ना छुए वो चमकना शुरू नहीं करता। आप लोगों ने माटी में से निकाल करके भगवान बनाए हैं। इस आशा के साथ कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा हमेशा, मैं हमारी टीम को आपके हवाले करता हूँ। इंटरेक्शन शुरू कीजिए। स्टील हो जाता है इस दिन साइड में लगा। एक्सक्यूज मी वीडियो के लिए वीडियो हम इन्हें पकड़ पाए और ये हमारे शो पर हमारे साथ आज हैं। बड़ी मुश्किल होती हम सब लोगों को। लुका जी का नाम जब हमने सोचा था इस शो के लिए उसके बाद हमने बहुत कोशिश की और नाम ढूंढने की, लेकिन फिर हम उसके आगे नहीं सोच पाए बिकॉज लुका जी इतना परफेक्टली कैरेक्टर को सूट कर चुकी है और फिट हो चुकी। तो मुझे याद है वो काली शाम मैं इतना टेंशन में था, एक तरफ मेरी बीवी रूट के मायके गई थी और एक तरफ लुबना जी को मनाने जाना था। मैंने सोचा बीवी तो खैर मान के आई जाएगी, लुबना जी मानी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने लुबना जी को चुना और थैंक यू गॉड कि आज बहुत अच्छा, जब कोई अच्छी चीज बन रही होती है तो ये यूनिवर्स का नियम है कि अच्छे अच्छे लोग आकर के अपने आप जुड़ ही जाते हैं। वी हैव हर ऑन अवर शो एंड वी आर रॉकिंग। और सुनील जी प्लीज आइए। सुनील
इनके बारे में डेफिनेटली आप, हाँ इनके बारे में एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को नहीं पता है। सुनील जी का इस शो पे होने का फायदा हमारा ये है कि ये जो शो है